हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप चाहते हो, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। फाइंड आउट। फाइव ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, अनदर डेक वी डू हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि चांसेस आपकी इस इंसान से शादी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद 2 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं अब से ऑनवर्ड्स। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इट्स कैन बी लाइक मे बी मोर देन 2 ईयर्स कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में ये बिलीफ रख पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस आउट कर रही हैं करंट सिचुएशन को रखते हुए जहन में। मुझे लगता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके माइंड में इस इंसान को लेकर। कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हो जाते हो कि पता नहीं पर्सन वर्कआउट कर पाएगा, फैमिली को मना पाएगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप खुद भी थोड़े डाउटफुल हो रहे हो, फियरफुल हो रहे हो। कहीं ना कहीं पर्सन के एंड से भी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा चीज़ों को। इट्स स्मॉल लाइक कि स्मूथली नहीं हो जाएगी शादी आपकी इस इंसान से, आसानी से नहीं हो जाएगी आपकी शादी इस इंसान से। इसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको, आपके पर्सन को, म्यूचुअली इन यू नो एक दूसरे को साथ लेकर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और तब जाकर आपकी शादी इस इंसान से होगी। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आता है या फिर रिलेशनशिप में अभी जैसे आप चाह रहे हो कि शादी हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी अभी इस इंसान से हो जाए और अगर नहीं होती है तो ये आपके लिए और आपके पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा इसमें टाइम अपार्ट आएगा शादी से रिलेटेड उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली या फिर उससे जुड़े हुए लोगों की तरफ से या आपकी फैमिली आपसे जुड़े हुए लोगों की वजह से काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं शादी को लेकर, लेकिन जितना टाइम गुजरेगा इश्यूज जो है वो उतने ही कम हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं अगर डिलेज अगर आ रहा है आपके रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें भलाई है आपके पर्सन के एंड से। हो सकता है कि फैमिली अगर अप्रूव नहीं करी तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। सो अगर कोई डिलेज हैं तो मेक श्योर कि उन डिलेज के बाद आपको जो सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में वो आपको मिलेगा, तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। मीनवाइल आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मीनवाइल आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना। आपका फेथ डिटरमिन करेगा, आपकी स्ट्रेंथ डिटरमिन करेगी, आपकी दुआएं डिटरमिन करेगी कि आप कितनी जल्दी अपने पर्सन से शादी कर पाते हो। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे लेकिन अल्टीमेटली विश डिज़ायर आपकी पूरी होती दिख रही है। उस इंसान से आपकी शादी हो पाएगी जिससे आप चाहते हो, बट अगेन बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना पापड़ बेलना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आपकी शादी उस इंसान से होते मैं देख रही हूँ। सो डेफिनेटली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा वर्क के बाद। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए 8वां महीना और दूसरा महीना साल का बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। दूसरा महीना मीन्स के फरवरी और 8वां महीना मीन्स के अगस्त। ये 2 मंथ्स आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और चांसेस ये हैं कि जो 5वां महीना है यानी कि मंथ ऑफ मई, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकता है। सो सीम्स लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए अगस्त से पहले पहले आपको इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ गुड न्यूज़ मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, विच इज़ अ गुड गुड साइन। सो चांसेस हैं 2 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में इस इंसान को लेकर शायद चीज़ें थोड़ी आसान होने लग जाएं, लेकिन 5वां महीने के बाद और 8वें महीने के पहले पहले या इस टाइम फ्रेम के अंदर 5वें से 8वें महीने तक का जो टाइम होगा, मई से लेकर अगस्त तक का जो टाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा आपके इस रिलेशनशिप को लेकर इस इंसान के साथ। ठीक हो गया, नाउ कम्स टू द पॉइंट जहाँ पर हम ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे। सो लेट्स सी क्या है डिवाइन मैसेज आपके लिए करंट सिचुएशन को जहन में रखते हुए। लेट्स सी क्या है ओरेकल गाइडेंस आपके लिए। बी
ब्रेव एंड ऑनेस्ट, कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रांग रख सको, ऑनेस्ट रह सको, खुद के साथ भी, पर्सन के साथ भी और अपने रब से भी। कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने कहा ना, कहीं कहीं कभी कभी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो तो आपको लगता है पता नहीं मुझे ये कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, पर्सन मुझे ये चाहिए भी है या नहीं चाहिए। सो बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी आपके माइंड में एक या दिल में एक थॉट आता है उसको लेकर ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ भी और अपने रब के साथ भी। अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको ज़रूरत फील होती है कि जैसे आप में स्ट्रेंथ नहीं है या आप वीक फील करते हो डिसीजन बनाने में या कनेक्शन को के लिए स्टैंड लेने में, तो स्ट्रेंथ सीख करो, गाइडेंस सीख करो अपने रब से। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उन सर्विसेज के लिए जो मैं ऑफर कर रही हूँ। सो उसके साथ साथ देखते हैं और क्या करना आपके लिए सही है राइट नाउ जो कि आपको फर्दर हेल्प कर सकता है टू मैनिफेस्ट अपनी शादी इस इंसान के साथ जिससे आप चाहते हो। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आप ऑलरेडी बहुत कुछ लर्न कर चुके हो अपने प्रोसेस में इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि अभी और कुछ लेसन्स आपको लर्न करने हैं। आप ऐसे कुछ लोग, स्पेशली वो लोग जो राइट ना ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में, आपको लेसन्स लर्न करने हैं। जब तक ये लेसन्स आपके लर्न नहीं हो जाएंगे, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। कुछ हायर लर्निंग, कुछ हायर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, उसके बाद आपका ये रिलेशनशिप आगे जाएगा टुवर्ड्स शादी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इनर वर्क करने की और इनर वर्क को लेकर स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी जब आई वाज ट्रैवलिंग, मैंने मेंशन किया था कि मैं आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड यू नो वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगी। आई विल स्टार्ट दैट, आई होप, जैसे अभी ये मंथली रीडिंग से फ्री होती हूँ तो आई विल स्टार्ट मेकिंग दोज यू नो वीडियोस। उसमें हम एक टॉपिक या एक बात को लेकर चला करेंगे हर यू नो उसका जो भी सीरीज़ मैं बनाऊंगी उस उन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ों की, उसको हम एक दिन में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। सो कोशिश करो कि अपने जर्नल्स रेडी रखो ताकि हम जो भी डिस्कशन करेंगे उन वीडियोज़ में या जो भी जिसके भी बारे में बात करेंगे, ताकि आप उन चीज़ के बारे में नोट्स बना सको, बिकॉज दे हेल्प यू अलॉट। कभी कभी आप डिट्रैक हो जाते हो, कभी कभी आप भूल जाते हो कि किस तरह से आपको क्या करना था, तो वो आपको हेल्प करेगा, वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर कि यू गेट अ न्यू जर्नल, अ न्यू पेन, और फिर हम अपनी वो जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपको लर्निंग का प्रोसेस है जो कि जो आपको फर्दर आपके डिज़ायर के करीब लेके जाएगा। और ये इनर स्टडी, अपने आप को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, उस सब के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है, अपनी क्या बोलते हैं उसको, यू नो एक अपनी स्ट्रेंथ से उस चीज़ को जो है वर्क करने की कोशिश करो, अपने फियर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, अपने इनर सेल्फ को प्रायोरिटाइज करो, अपने अपनी मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होगे तो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन इस इंसान के साथ आपको पूरी होते दिखेगी, जहाँ पे आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी जिसे आप चाहते हो। बट अगैन बहुत ज़रूरी है एक चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जो ये पर्सन है, जिस जो ये रिलेशनशिप है आपका जिस इंसान के साथ, इसमें जो भी सर्कमस्टांसेस हैं करंटली, फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें अल्टीमेटली आपके फेवर में हो जाएंगी। करंटली अगर बॉदर कर रही हैं आपको, डिस्टेंस बॉदर कर रहा है, पर्सन का ना बात करना बॉदर कर रहा है, फैमिली का ना मानना बॉदर कर रहा है, वो आपके लिए भलाई है उस सारी सिचुएशन में। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एंड फेथ रखना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।